बिटकॉइन एंड क्रिप्टो मार्केट में डे बाय डे गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मार्केट में पैनिक सेलिंग चल रही है। बहुत से लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट यहाँ से और कितना नीचे गिर सकता है, और मार्केट में चल रही इस गिरावट की वजह से क्रिप्टो करेंसी की वैल्यूएशन पहले से काफी डाउन हो गई है। बिटकॉइन अकेला क्रिप्टो मार्केट को 40% डोमिनेट करता है। इसका मतलब बिटकॉइन के प्राइस में अगर 5% का फॉल आता है तो ओल्ड कॉइन में उससे डबल का फॉल देखने को मिलता है। और आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, बेस्ट ओल्ड कॉइन जिन्हें आप इस डिप में बाय कर सकते हो। वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो माइंडर्स। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात कर दे क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स। जब भी किसी फाइनेंशियल मार्केट में बेरिश ट्रेंड होता है, उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। वॉरेन बफेट का एक कोट है, बी फियरफुल व्हेन अदर आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। ये ही रियलिटी है। अभी मार्केट को देखे तो सभी लोग मार्केट में स्केर्ड है, ये सोचकर कि क्या होगा आगे मार्केट में, क्या मार्केट यहाँ से और डाउन जा सकती है। बिटकॉइन के चार्ट को देखे तो नवंबर में बिटकॉइन ने अपने ऑल टाइम हाई $69,000 को टच किया था। 50% के अराउंड बिटकॉइन ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है अपने ऑल टाइम हाई से, एंड ओल्ड कॉइन मोस्टली 50-80% तक करेक्ट हो चुके हैं। अभी बिटकॉइन का प्राइस ट्रेड कर रहा है $35,000 के अराउंड, और मार्केट में चल रही न्यूज के अकॉर्डिंग मार्केट को 30,000 के अराउंड तक करेक्ट होना चाहिए। ये बात निकल कर आई है एक सर्वे में। इसके अलावा यूक्रेन एंड रशिया के बीच में वॉर स्टार्ट हो गया है, उसका इम्पैक्ट भी मार्केट में और ज्यादा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ओल्ड कॉइन की। इथेरियम को देखे तो वो भी BTC के इक्वल ही करेक्ट हुआ है। BNB 335 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और वो भी 50% के अराउंड करेक्ट हुआ है। टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप देखे तो सबसे ज्यादा गिरावट आई है XRP में। XRP अपने ऑल टाइम हाई से 83% के राउंड करेक्ट हो चुका है। बट सबसे ज्यादा टेंशन है लोगों को कार्डानो एडा की, जो अपने ऑल टाइम हाई $3.1 से 75% के राउंड करेक्ट हो चुका है, जो किसी को भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। फंडामेंटली देखे तो कार्डानो इथेरियम और बिटकॉइन दोनों को फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन देता है, इसलिए फर्स्ट कॉइन जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए वो यही है एडा। एडा का ऑल टाइम हाई है $3.1 के पास, और अभी ये ट्रेड कर रहा है $1 से भी नीचे $0.8 के अराउंड। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको फिर नहीं मिलने वाली। मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ से एडा और नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि मार्केट में और गिरावट आने पर ऑब्वियस सी बात है इसमें भी और ज्यादा गिरावट आएगी। एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर कार्डानो के ऊपर जल्दी आएगी, जिसमें हम डिटेल में समझेंगे क्यों कार्डानो इम्पोर्टेंट है क्रिप्टो स्पेस के लिए और आपको क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सेकेंड कॉइन है मैटिक पॉलीगोन। मैटिक का भी ट्रेड कर रहा है $1.3 के अराउंड, और इसका ऑल टाइम हाई है $2.9। इसका मतलब ये बस अपने ऑल टाइम हाई से 55 के अराउंड ही करेक्ट हुआ है। इसके करेक्शन को देखते हुए आप समझ सकते हो इन्वेस्टर को कितना कॉन्फिडेंस है पॉलीगोन कॉइन में। पॉलीगोन फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपको नहीं पता तो बता दूं ये दिल्ली के तीन बंदों ने मिलकर बनाया है, और इथेरियम भी इसको सपोर्ट करता है। आपको इसमें जरूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। थर्ड एंड लास्ट कॉइन है डिसेंट्रलैंड मैना। आफ्टर फेसबुक रिब्रांड इटसेल्फ एज अ मेटा, मेटावर्स से रिलेटेड जितनी भी क्रिप्टो कॉइन थे सभी में मैसिव गेन देखने को मिले, तब डिसेंट्रलैंड के प्राइस में भी अच्छा खासा राइज देखने को मिला था। इसके प्राइस $6 तक जंप किया था, और अभी इसका प्राइस ट्रेड कर रहा है $2.25 के राउंड। ऑल टाइम हाई से इसका प्राइस 60% के राउंड करेक्ट हो चुका है। डिसेंट्रलैंड में बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है लास्ट 6 मंथ में। इसमें जो लैंड सेल होती है उनका प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। थोड़े दिन पहले ही न्यूज आई थी JP Morgan ने भी इसमें अपना वर्चुअल बैंक ओपन किया है। अगर आप मेटावर्स की स्टोरी को लेकर इंटरेस्टेड हो तो अभी से इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए। और डिसेंट्रलैंड तो है ही फुल्ली मेटावर्स प्लेटफॉर्म। कार्डानो, मैटिक एंड डिसेंट्रलैंड, ये तीनों ही ओल्ड कॉइन फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है टू इन्वेस्ट इन दिस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन। आई न्यू मैनी न्यू स्मॉल इन्वेस्टर्स क्रिप्टो स्पेस में एंटर कर रहे हैं, बिकॉज लास्ट ईयर क्रिप्टो मार्केट ने ह्यूज प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को बना के दिया था, जिससे सभी का ध्यान क्रिप्टो ने अपनी तरफ खींचा था। तब मार्केट बुलिश ट्रेंड में था, बट राइट नाउ मार्केट बेरिश ट्रेंड में है, इसलिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट बड़े ध्यान से करनी पड़ती है। जो न्यू इन्वेस्टर है मार्केट में, उनको पता होना चाहिए क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है, जो आप बिटकॉइन के चार्ट पर देख सकते हो।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बात करते हैं बियर मार्केट में आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बियर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए। एक बात ऑलवेज माइंड में रखिए, जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक ही बार अपने सारे फंड्स इन्वेस्ट मत करिए। मान लीजिए आपके पास 10,000 मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए है, तो आप अपने फंड्स को डिवाइड कर लीजिए। आप स्टार्ट कीजिए ओनली 2500 से, और अगर यहाँ से मार्केट और नीचे जाता है तो आप फिर से मार्केट में 2500 इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप एक फिक्स परसेंटेज डिसाइड कर लीजिए। लाइक अगर बिटकॉइन यहाँ से 10% और डाउन जाता है तो फिर से आप अपनी कैपिटल का 25% इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी एंट्री प्राइस एवरेज होती जाएगी, और अगर आप एक साथ सभी फंड इन्वेस्ट कर दोगे तो डाउन मार्केट में फर्दर आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए ऑलवेज अपनी कैपिटल के स्मॉल पोर्शन से ही स्टार्ट करिए। ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।